काम करने, जीने और शिकार करने में ये पूरा झुंड हमेशा एकजुट है। यहां तक कि सबसे छोटे बच्चों को भी शिकार के लिए तैयार किया जा रहा है। मोरेमी भले ही झुंड की प्रमुख शिकारी हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। इसलिए पिछले साल के बच्चों को जल्दी ही शिकार करना पसंद है। मोरेमी अब और ज्यादा बार मां नहीं बन पाई। मुमकिन है ये इसके आखिरी बच्चे। ये झुंड है तो जबरदस्त, लेकिन काफी बड़ा और भूखा है। जिंदा रहने के लिए मोरेमी के झुंड को हर कुछ दिनों में शिकार करना पड़ता है, और शिकार इतना बड़ा होना चाहिए कि सबका पेट भर सके। दूर से आई बाढ़ ने कालाहारी रेगिस्तान के इस हिस्से को एक हरे भरे नखलिस्तान में बदल दिया। अफ्रीका के बड़े बड़े जानवरों के लिए ये पानी से भरी कमाल की दुनिया, और डेल्टा प्राइड के लिए ढेर सारे शिकार। अभी चुनने के लिए काफी कुछ है, लेकिन कुछ शिकार अक्सर तेज या फुर्तीले होते हैं। 136 किलोग्राम की शेरनी के लिए पानी भरी जमीन पर उसे खदेड़ना आसान नहीं। सही शिकार काफी बड़ा है, इसलिए शेरों के लिए बहुत कुछ दांव पर रखा है। जिराफ लात मारकर शेर की जान ले सकते हैं, हाथी इन्हें कुचल सकते हैं। इनका मनपसंद शिकार है मुसैल के बफर। छोटी कार के जितने बड़े ये जानवर मोरेमी के पूरे झुंड का पेट भरने के लिए काफी, लेकिन ये आसान शिकार नहीं। ये सवाना की आर्मर्ड डिवीजन, इनके सींग शेरों का पेट फाड़ सकते हैं। शेरों के झुंड की तरह ये भी बड़ी तादाद में हमेशा साथ रहते हैं। भैंसे जवाबी हमला करते हैं, उन्हें ढूंढने के लिए मोरेमी अपने झुंड को दलदल में ले गए। बड़े सदस्यों के लिए यह आसान है, ये पानी के आसपास ही पले पड़े हैं और इनकी टांगे ज्यादा मजबूत हैं। बच्चों को दिक्कत हो रही है, 2 साल की उम्र में इन्हें भी दलदली इलाके में अपने बूते पर शिकार करना हो, परिवार का पेट भरना उनकी जिम्मेदारी है। फिलहाल मोरेमी अगुवाई कर रहे हैं। इसे आगे भैंसों की कम, वो आगे ओकाबांगो की घनी हरियाली के पीछे। इन भैंसों पर हमला करने के लिए शेरों की पूरी फौज तैयार है, लेकिन शिकार करके सही सलामत लौटने के लिए इन्हें चालाकी और सब्र से काम लेते हुए एकजुट रहना पड़ेगा। इनमें से एक भैंस भी पूरे झुंड का पेट भर सकती है। शेरों के बच्चे जानते हैं कि खतरे से दूर रहने में ही